भ्रष्टाचार स्वरूप पैसे की उगाही की जा रही है, तो निश्चित तौर पे ये लोग अपनी भी कजिया करा रहे हैं और सरकार की भी बदनामी हो रही है। इस चीज को आप मानते हैं कि भ्रष्टाचार है? नहीं, भ्रष्टाचार तो है, ये सच्चाई है। और थाना मैं झूठ बोल रही हूँ, थाना हो, ब्लॉक हो, मैं और लोगों के तरह मैं झूठ नहीं बोल सकता। अकंठ भ्रष्टाचार में थाना डूबा हुआ है, अकंठ भ्रष्टाचार में ब्लॉक डूबा हुआ है। इसका कारण ये है कि जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं वो भी लापरवाह है, और यहाँ से उनको हटाया जाए, और मैं तो कहूंगा कि उनको नौकरी से बर्खास्त ही कर दिया जाए। ऐसे कचरा के लोग, ऐसे कचरा पेटी को इधर उधर घुमाने से भी कोई फायदा नहीं, वही करेगा वो, तो जहां जाएगा वही करेगा। और हम बात करेंगे, हमने आपको दिखाया, बात करेंगे यहीं का स्थानीय हसनपुरा प्रखंड के और कांग्रेस के लिए प्रखंड अध्यक्ष जावेद जी। इनके प्रखंड में वर्तमान में जो कांग्रेस सत्ता में है बिहार में, और क्या इस प्रकार से जो घटनाएं हो रही हैं, जो भ्रष्टाचार देखा जा रहा है, इसमें संलिप्तता कांग्रेस की भी मानी जा सकती है, सरकार में है, क्या कहिएगा? नहीं, ये जो वीडियो वायरल हुआ है, हाँ, जिसके प्रत्यक्ष में आप मुझसे पूछ रहे हैं, जी आप ही का प्रखंड है, निश्चित तौर पर मेरे प्रखंड के लिए शर्मनाक है, बहुत गलत घटना है। ऐसे जो भी पदाधिकारी जो ब्लॉक में मौजूद हैं, चाहे डेटा ऑपरेटर हो या सीओ साहब हो या बीओ हो, कोई भी हो, उनको सरकार ने निष्पक्ष रूप से फ्री ऑफ कॉस्ट जनता की सेवा के लिए नौकरी मिली है, तो उनके द्वारा किसी भी तरीके का अगर भ्रष्टाचार स्वरूप पैसे की उगाही की जा रही है, तो निश्चित तौर पे ये लोग अपनी भी कजिया करा रहे हैं और सरकार की भी तो बदनामी हो रही है। उंगली तो उठ रहा है कि सुशासन की सरकार है, सुशासन की सरकार में दिन दहाड़े सीओ के ऑफिस में पैसा लिया जा रहा है 17,000 रुपए। हाँ, ये पहली घटना है जिसका वीडियो वायरल हुआ है। घटनाएं तो हमेशा होती है, वायरल पहली बार हुआ है। आपकी बात में दम है, और चूंकि मैं सरकार में, तो ये जीरो टॉलरेंस की नीतीश बाबू की सरकार है, और हम लोग भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि अभी पिछले महीने NSCM के जो पटना में हेल्थ डिपार्टमेंट के जो चीफ थे, जब उनके ऊपर कार्रवाई की गई, तो पूरे भारत में हाय तोबा मचा दिया डॉक्टर एसोसिएशन ने, और लग रहा था कि जैसे कोई पहाड़ टूट जा रहा है। भैया, आप जनता की सेवा के लिए ही आपको सरकार ने रखा है, आप किसी का पैसा लेते हैं, तो जनता का सेवा कर रहा है कि जनता का खून चूस रहा है? नहीं, निश्चित तौर पर सरकार जो महागठबंधन की है, इसमें ये सही है कि कोई निर्दोष फंसेगा नहीं और कोई दोषी बचेगा नहीं, और ये जो महिला जिनका ये वीडियो वायरल हुआ है, इन पे आपको सीओ साहब से स्पष्टीकरण लेना चाहिए, लेकिन नहीं है, तो वो नहीं है, तो वो आपका वीडियो चलने के बाद, ये खबर चलने के बाद, या उनको अब तक आके अपने विभागीय स्पष्टीकरण देना चाहिए था, जो कि वो नहीं दे पाए, और इन लोगों की लापरवाहियों के वजह से सरकार की भद पिट रही है। तो मैं मुख्यमंत्री जी से डायरेक्ट मांग करूंगा कि ऐसा जो भी वीडियो वायरल होता है भ्रष्टाचार युक्त, चाहे वो थाना का हो, चाहे ब्लॉक का हो, चाहे जिला मुख्यालय का, उस पे इमीडिएट एक्शन होना चाहिए, और किसी सूरत में किसी भी ब्यूरोक्रेट से डरने की जरूरत नहीं है, और जैसे ही वो पकड़े जाते हैं उन पे सीधी कार्रवाई करने की आवश्यकता है, क्योंकि इन लोगों के जहन में कहीं ना कहीं वो जैसे भाजपा के सह पे जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं पहले से चलते आ रहे हैं, वही लोग चाह रहे हैं कि अब महागठबंधन की भी सरकार
सरकार में चले तो ये हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी बिल्कुल आप सीओ साहब से मिले इस मामले में बात की है? नहीं, मेरी तो अभी बात नहीं हुई है सीओ साहब। फोन के माध्यम से? नहीं, फोन के माध्यम से भी बात नहीं हुई है, क्योंकि मैं पटना में था। हाँ। मैं था नहीं यहाँ। हाँ। इसके वजह से मुझसे बात नहीं हुई। हाँ। अब मैं हूँ यहाँ और निश्चित तौर पर मेरी जवाबदेही बनती है। और जो भी घटक दल के मेरे साथी हैं सबकी जवाबदेही बनती है कि हम सब लोग हर हाल में आम जनता को पैसा मुक्त सेवा मुहैया कराना सुनिश्चित करें। और मैं और जहां की बात कर रहे हैं वहां पे हमने जब दो चार महिला की उनसे बात किया हमने तो बोल रहे हैं कि आवास बनवाना हो, निवास हो, जाति हो या शौचालय हो या फिर आवास का पैसा हो, बिना घूस के बिना पैसा के काम नहीं। देखिए, जो लोग आप लोगों के सामने बोलते हैं ना, अफसोस तो यही है, ये लोग अगर मेरे साथ खड़े हो जाए, मैं अपनी बात कर रहा हूं, ये लोग पेन पेपर से मेरे साथ खड़े हो जाए तो मैं सांस लेना बंद कर दूंगा। वो लोग बोलते हैं। हाँ। बोलते हैं नहीं, आप साथ खड़ा होने के बाद आप सरकार में है ना जी। मैं सरकार मैं क्या कर रहा हूँ, आपके अंतर्गत मेरी बात को सुनिए, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ आपको नेता बना दे। नहीं 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 नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो लोग आपके कैमरा पे बोलते हैं वही लोग पदाधिकारियों को ले जाके रिश्वत देते हैं। हाँ, बोल रहे हैं, सुनिए तो। हाँ। ठीक है। हाँ। और जब मामला हम लोगों के संज्ञान में आता है और जब हम लोग इससे रोकते हैं उनको, तो उन लोगों को ये डर रहता है कि कहीं मेरा काम नहीं हो। और लड़ाई जब किसी भी भ्रष्टाचार के खिलाफ होगी तो मुंह से कम पेन पेपर से ज्यादा होगी, और वो अफोर्ड करने की स्थिति में वो लोग नहीं रहते हैं। हम लोग तो तत्पर ही रहते हैं, हम लोग सेवा देने के लिए तत्पर रहते हैं, लेकिन वो लोग किसी कारणवश अपनी जिन्विन चीज को और जिन्विन काम के लिए और भ्रष्टाचार पैसा के रूप में पैसा देने के बाद भी और बार बार दौड़ने के बाद भी पेन पेपर से, जब हम लोग कहते हैं कि आप पेन पेपर से आइए हम आपके साथ खड़े हैं, तो वो लोग कहीं ना कहीं करनी काट लेते हैं। अच्छा, ऑफ कैमरा वो लोग जब हम मतलब वीडियो कर लिए तो ऑफ कैमरा ये बोल रहे थे, अब तो रिकॉर्डेड नहीं है कि मैं साक्ष्य के रूप में दूंगा, लेकिन ऑफ कैमरा ये चीज लोग बोल रहे थे कि कहीं ना कहीं दौड़ाया भी जाता पांच दिन दस दिन बीस दिन सीओ साहब के द्वारा वीडियो साहब के द्वारा और लोगों के द्वारा दौड़ाया जाता है, दौड़ाने के बाद पैसा भी लिया जाता है, उसके बाद भी निदान नहीं होता। बिल्कुल, आप देखिए, आप पत्रकार, आपका काम है सच्ची चीजों को जनता के सामने लाना, और निश्चित तौर पे आप जो बोल रहे हैं वो सच्चाई है, वो जमीनी हकीकत है, उसको हम लोग भी देखते हैं। मैंने एक वीडियो जब ये चीज का डाला कि सीओ साहब लोग पैसा लेके जबरन जमीन का कब्जा भी करवा रहे हैं। जबरन तो कोई जमीन पे कब्जा कर ही नहीं सकता, कागज वगज बनवा के, नहीं कागज बनवा, फर्जी कागज बनवा के आप कितने दिनों तक किसी भी जमीन पे रहे, तो ये तो अलग मैटर हुआ, ये अलग बात हुई। अब मैं आपको ये प्रैक्टिकली, क्योंकि इस चीज को आप मानते हैं कि भ्रष्टाचार है? नहीं, भ्रष्टाचार तो है, ये सच्चाई है। और थाना मैं झूठ बोल रही हूँ, थाना हो, ब्लॉक हो, जिला हो, मैं और लोगों के तरह मैं झूठ नहीं बोल सकता। अकंठ भ्रष्टाचार में थाना डूबा हुआ है, अकंठ भ्रष्टाचार में ब्लॉक डूबा हुआ है। अरविंद कुमार यादव के साथ आप खड़े हैं? निश्चित तौर पे, अगर वो बिल्कुल सही है और जो वीडियो भी आपको गलत लगता है, बिल्कुल अगर वो सही है, मैं ये कह रहा हूं, उन्होंने जो वीडियो वायरल किया है वो सच है, और वो अगर सच है और जब उनके द्वारा जिस पदाधिकारी की वीडियो, वो सरकारी कर्मचारी भी नहीं, वो फ्रेंचाइजीज के थ्रू है, ठीक है, यह स्पष्ट है, तो जब तक उन पे बिहाफ ऑफ दिस वीडियो कार्रवाई नहीं होती है, उनका सस्पेंशन हो
और यहां से उनको हटाया जाए, और मैं तो कहूंगा कि उनको नौकरी से बर्खास्त ही कर दिया जाए। ऐसे कचरा के लोग, ऐसे कचरा पेटी को इधर उधर घुमाने से भी कोई फायदा नहीं, वही करेगा वो, तो जहां जाएगा वही करेगा। और एक दूसरी जो चीज छल गया है, तो ये सारी जो चीजें मेरी मांग होगी, और मैं निश्चित तौर पे अपने प्रखंड के लोगों के साथ खड़ा हूं, और कोई भी यहां चाहे थाना हो या ब्लॉक हो, कोई भी उसमें बैठा हुआ पदाधिकारी अगर आम जनता की शोषण करेगा तो उसकी ईंट से ईंट बजाने की मैं ताकत और कुवत रखता हूं, और उनकी ईंट से ईंट बजाई जाएगी। और अरविंद कुमार का जो इश्यू है मैं देख रहा हूं, और आप लोग भी सीओ साहब से स्पष्टीकरण मांगिए, वो क्या कहते हैं नहीं, मतलब वो क्या कहते हैं आज नहीं है ना, वो क्या कहते हैं नहीं कहते हैं, कार्रवाई सुनिश्चित होगी और कार्रवाई होगी। और मैं इस भ्रष्टाचार के खिलाफ जो जंग छेड़ी है उस लड़के, मैं उसके साथ हूं निश्चित हूं। तो सुन सकते हैं, ये थे जावेद अली, और इनका साफ तौर पे कहना है कि जो अरविंद कुमार यादव है भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहा है उसके साथ मैं कदम से कदम मिलाकर के खड़ा हूँ, और ब्लॉक में हमारे यानी हसनपुरा में थाना हो या फिर ब्लॉक की बात हो, कहीं भी कोई भ्रष्टाचार हो तो इनसे संपर्क कर सकता है, उसको निदान कराने का ये काम करेंगे। जय हिंद जय भारत।